अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन मंचूरियन। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो शेयर करें और कमेंट करें, और साथ दिए हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक करेगा, क्योंकि इससे मेरी आपको नई आने वाली वीडियोस आसानी देखने को मिलेंगी। चिकन मंचूरियन में जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आप इनको नोट कर लें। स्टेप नंबर वन में हमने चिकन की मैरिनेशन करनी है। उसमें मैंने हाफ के जी बोनलेस चिकन में 1 मीडियम साइज का एग डाला, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक क्रश ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, और साथ ही हम 2 टेबलस्पून सिरका और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे। फिर इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब 1 घंटे के बाद एक पैन में 1 कप ऑयल लिया और उसको गर्म कर लिया। फिर उसमें मैरिनेटेड चिकन को हमने डीप फ्राई कर लिया। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, चिकन को हमने हल्का हल्का ब्राउन करना है, लाइट गोल्डन सा, क्योंकि इसको बाद में पकाना है। हम इसको इसलिए यहाँ पे चिकन को फ्राई कर रहे हैं ताकि इसकी तमाम मैरिनेशन चिकन के साथ चिपक जाए। ये देखें, हमारी चिकन गोल्डन ब्राउन सी हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे और बाकी की तमाम चिकन को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। एक पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल लेकर उसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 1 कप चॉप्ड अनियन, 1 कप चॉप्ड कैप्सिकम और 1/2 कप स्प्रिंग अनियन ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 5 टेबलस्पून टोमेटो केचप, जो कि 1/2 कप के बराबर होती है, वो ऐड करेंगे। फिर इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। अब इसमें हम जो चिकन हमने फ्राई की थी वो ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि मसाला चिकन के साथ भी लग जाए। फिर इसमें कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून ऐड करेंगे और साथ ही 1 कप पानी इसमें ऐड कर देंगे। कश्मीरी मिर्च यहाँ पे ऑप्शनल है। अब हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में 1/2 कप वाटर ऐड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। फिर इस पेस्ट को हम चिकन मंचूरियन में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और चमचा चलाते जाएंगे। कॉर्नफ्लोर से इसकी थिकनेस में इजाफा होगा, आप जितना चाहे इसको थिक कर लें। फिर इस चिकन मंचूरियन को हम 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे। अब इसको आप किसी भी बाउल में निकाल लें और गरम गरम चाइनीज़ एग फ्राइड राइस के साथ सर्व करें। और ये वीडियो कैसी बनी है प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। ये रेसिपी ट्राई करें और इसकी पिक्चर्स लेकर अपलोड करें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।